आप मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे इस डील के बारे में नहीं पता था। साहब मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो साहब, मैंने अपने दोस्तों कहने पर किया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है जिसने बकरीद से ठीक पहले माहौल खराब करने की कोशिश की है। युवक ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ रील शेयर की थी जिसमें वो खून खराबे की बात कर रहा है। पुलिस ने रील डालने के 6 घंटे के अंदर ही युवक को पकड़ लिया और लॉकअप में बंद कर दिया। युवक को जब पुलिस ने लॉकअप में बंद किया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लॉकअप के अंदर से पुलिस से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे इस डील के बारे में नहीं पता था। साहब मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो साहब, मैंने अपने दोस्तों कहने पर किया था, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, साहब मुझे माफ कर दो साहब। इस रील का मुझे रील के बारे में कुछ पता नहीं था साहब, मैंने बना दी। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले हारान नाम के युवक ने 2 रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इन वीडियोस में युवक को कहते हुए सुना जा सकता है कि खून भी बेहिसाब बरसेगा। शख्स इस वीडियो में धर्म विशेष की बात करते हुए दूसरे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद एक्शन लिया है। जब हारान नाम के इस युवक ने भड़काऊ वीडियो शेयर की थी तो उस पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। लोगों ने इस वीडियो को पुलिस के पास भेजा। लोगों की आपत्ति देखते हुए पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और युवक की शिनाख्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। टीम ने युवक की शिनाख्त की और उसे बुढ़ाना क्षेत्र से पकड़ लिया। शख्स को पुलिस अपने साथ लेकर आई और उसे लॉकअप में बंद कर दिया। पुलिस ने युवक को थाने में लाकर संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने, माहौल खराब करने की कोशिश जैसे मामलों में पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। लॉकअप में बंद युवक की अकल ठिकाने पर आ गई है। वो लॉकअप के अंदर खड़े होकर पुलिस से अपनी गलती पर माफी मांग रहा है। पुलिस ने दोनों ही वीडियो शेयर करते हुए आम लोगों को मैसेज दिया है कि कोई भी इस तरह से भड़काऊ कंटेंट शेयर ना करें, नहीं तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।